भारत में एक ऐसा लोकप्रिय खेल है जिसे आज के युग में लगभग हर किसी ने अपने जीवन में एक बार खेला या देखा जरूर होगा। लोग इस खेल को सम्मान के साथ जेंटलमैन गेम कहते हैं, लेकिन क्रिकेट के कुछ ऐसे नियम हैं जो बेहद ही अजीबोगरीब हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही 3 नियम के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं सत्योदय मीडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला नियम है मांकड़िंग का। जब गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज को आउट करता है, उसे मांकड़िंग रनआउट कहते हैं। दरअसल गेंदबाज को जब लगता है कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उसकी गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज से बार बार बाहर निकल रहा है, तो वह नॉन स्ट्राइकर छोर की बेल्स गिराकर बल्लेबाज को रनआउट कर सकता है। चूँकि गेंद फेंकी नहीं गई होती है इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन बल्लेबाज जरूर आउट हो जाता है। ऐसा नज़ारा क्रिकेट में कई बार देखने को मिला है। रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर को आईपीएल में इसी नियम के तहत आउट किया था। इसका एक और उदाहरण वनडे मैच में देखने को मिला था, जब जोस बटलर को श्रीलंकाई टीम के सचित्रा सेनानायके ने इस तरीके से आउट किया था। हाल में ही दीप्ति शर्मा ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को इसी अंदाज में ही पवेलियन भेजा था। दूसरे नियम की बात करें तो वो नो बॉल पर एम्पायर ने फ्री हिट दिया। फ्री हिट में नवाज की गेंद पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद गेंद थर्ड मैन की ओर निकल गई। तब तक कोहली और कार्तिक ने दौड़कर 3 रन ले लिए, जिसके बाद खिलाड़ी और फैंस का कहना था कि इस बॉल को डेड घोषित किया जाना चाहिए था, इसमें रन कैसे मिले। दरअसल नियम के मुताबिक अगर सामान्य गेंद पर कोई भी बैटर बोल्ड हो तो गेंद विकेट पर लगते ही डेड हो जाती है। नो बॉल पर भी यही नियम है। हालांकि जिस गेंद पर कोहली बोल्ड हुए वो कोई सामान्य गेंद नहीं थी और ना ही वो नो बॉल थी, वह फ्री हिट गेंद थी जिस पर कोहली बोल्ड हुए थे। आईसीसी के नियम 21-18 के मुताबिक फ्री हिट पर रनआउट के अलावा बल्लेबाज किसी भी प्रकार से आउट नहीं हो सकता। साथ ही गेंद विकेट पर लगने के बावजूद डेड नहीं घोषित होती, इस पर दौड़कर भी रन लिया जा सकता है। अगर गेंद विकेट में लगने से पहले बल्ले पर लगती तो रन बल्लेबाज के खाते में आते। हालांकि कोहली के केस में ऐसा नहीं था, गेंद सीधे विकेट पर जाकर लगी थी, इस वजह से ही एम्पायर ने इसे बाय का इशारा दिया था। क्रिकेट में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फ्री हिट पर बोल्ड होने पर रन मिला है। ऐसा मामला महिला बिग बैश में पर्थ और मेलबर्न स्टार्स के मुकाबले में भी देखने को मिला था। इस मैच में फ्री हिट गेंद पर विकेट पर लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, इस पर बल्लेबाजी टीम को 4 रन मिले थे। तीसरा नियम है नो बॉल से जुड़ा हुआ। नो बॉल के नियम कहते हैं, ये नियम बताते हैं कि हाई फुल टॉस को तब तक थर्ड एम्पायर को रेफर नहीं किया सकता जब तक बैटर उस गेंद पर आउट ना हुआ हो। अगर बल्लेबाज आउट हो चुका है तो फील्ड एम्पायर थर्ड एम्पायर को इसे चेक करने के लिए कह सकता है। कोहली के मामले में जब उन्होंने गेंद पर छक्का लगाया था, ऐसे में फील्ड एम्पायर उसे रेफर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऑन फील्ड इस पर फैसला लिया था। ऐसा केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं हुआ था, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के साथ भी ऐसा हो चुका था, जब महेंद्र सिंह धोनी गुस्से में मैदान के अंदर चले गए थे। हालांकि वहां मामला थोड़ा अलग था क्योंकि एम्पायर ने उसे नो बॉल नहीं दिया था, इसका विरोध जताते हुए एमएस धोनी मैदान पर आ गए थे। इसके बाद भी एम्पायर ने अपना फैसला नहीं बदला था। क्रिकेट के इन नियमों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।